हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी। सो गाइस, आज का वीडियो इग्नू के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज के इस वीडियो में बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। सो इग्नू के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, सभी स्टूडेंट वीडियो में लास्ट तक और कम्प्लीट ज़रूर बने रहिएगा, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस नहीं हो। राइट, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इग्नू से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए। एंड आप हमसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू भी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं आज का नोटिफिकेशन। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बिकॉज आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री स्टूडेंट्स के लिए। एंड आपको साथ ही साथ सबसे पहले मैं आपको ये बताते चलूँ कि आपका री रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट एंड हो गया है। देन इसके बाद हम लोग जो आज के लिए अपडेट है, जो कि इग्नू की तरफ से एक बड़ा गुड न्यूज़ रिलीज़ किया गया है, उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये आज है 1 अगस्त और 31 जुलाई आपका री रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट था, और री रजिस्ट्रेशन के लास्ट डेट को फिर से एक्सटेंड नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डैशबोर्ड पर भी कहीं पर भी आपको नहीं दिखेगा, और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 31 जुलाई ही दिख रहा है। मीन्स अब री रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट एंड हो चुका है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अब ये पूछेंगे कि क्या री रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट को फिर से एक्सटेंड किया जाएगा। सो गाइज, ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता है कि फिर से डेट एक्सटेंड किया जाएगा या फिर नहीं, बिकॉज ऑलरेडी कई बार री रजिस्ट्रेशन करने के लिए बहुत बार इग्नू स्टूडेंट्स को मौका मिल चुका है। सो ये फिक्स नहीं है कि अब आपका री रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट बढ़ेगा या फिर नहीं, बट अगर मैं चांसेस बताऊँ तो री रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट एक बार फिर से बढ़ सकता है, बट कंफर्म नहीं बताया जा सकता। जब नोटिफिकेशन आएगा इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे, देन मैं आपको अपडेट कर दूंगी। अभी तक 31 जुलाई 2022 ही आपका यहाँ पर शो कर रहा है, बट उम्मीद है कि इग्नू एक बार फिर से डेट एक्सटेंड करेगी, देन मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगी। राइट, सो वेट कर लीजिए नोटिफिकेशन का, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। सो गाइज, आ जाते हैं आज के टॉपिक पे एंड देख लेते हैं आज का गुड न्यूज क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इग्नू आपको दे रहा है परमानेंट जॉब, जो की आप यहाँ पर देख सकते हैं नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर आपको परमानेंट लिखा हुआ मिल जाएगा। फाइन, सो आपको वाली इंटरव्यू देकर के परमानेंट जॉब मिलेगा, जिसके ऊपर आज के इस वीडियो में हम लोग डीपली डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इस नोटिफिकेशन में बताया गया है आपको सभी स्टूडेंट्स के लिए इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकेंगे। ओनली आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, उसके बाद आपको परमानेंट जॉब मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको बताया गया है। और ये कहाँ पर होगा, इसका क्या नाम है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव फॉर ग्लोविवा। राइट, एट कहाँ पर है, तो इग्नू कैंपस मैदान गढ़ी दिल्ली, जिसका पिन कोड यहाँ पर दिया गया है, और डेट 4 अगस्त को होगा। रिपोर्टिंग टाइम एंड रजिस्ट्रेशन, मीन्स आपका रिपोर्टिंग टाइम 9:30 से लेकर के 10:30 AM के बीच होगा। अगर आप 11 बजे के बाद या फिर 11 बजे जाते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा, ठीक है। और चलिए देख लेते हैं इसको डीपली। तो यहाँ पर बताया गया है कि जॉब डिस्क्रिप्शन एंड डिटेल्स, जो आपका पोजिशन होगा वो पोजिशन आपका क्या होगा, तो वो होगा आपका कस्टमर सपोर्ट, सेकेंड है आपका टेली सेल्स, एंड थर्ड है आपका रिटेंशन एग्जीक्यूटिव, एंड लास्ट है आपका बैक एंड। मीन्स इतना पोजिशन आपको मिल सकता है, और नेचर ऑफ एम्प्लॉय आपका परमानेंट होगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। मीन्स अगर आप इस इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हो, देन आपको जो जॉब प्रोवाइड कराया जाएगा वो जॉब आपका परमानेंट होगा। एंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बताई गई है, जो भी है आपका यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। एंड नेक्स्ट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स यहाँ पर बैठ दिया गया है कि अगर आपको कस्टमर सपोर्ट मिलता है देन आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, अगर आपको टेली सेल्स मिलता है देन आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, रिटेंशन एग्जीक्यूटिव मिलता है देन आपका जॉब रिटेंशन क्या होगा, बैकएंड मिलता है देन आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, एंड की स्किल क्या होना चाहिए वो यहाँ पर बता दिया गया है। एंड सैलरी आपका, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका सैलरी क्या होगा, तो वो होगा 1.4 LPA 3 LPA। मींस अगर आप इसको मंथली कैलकुलेट करना चाहे तो 15,000 से लेकर के 25,000 के बीच आपका सैलरी होगा। फाइन, एंड वर्क एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, तो वर्क एक्सपीरियंस आपका 0 to 6। मींस अगर आप फ्रेशर है तब भी आप इस इंटरव्यू को दे सकते हैं, और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको जॉब मिल पाएगा। एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए वो आपको यहाँ पर बताया गया है, ग्रेजुएशन एंड परस्यू ग्रेजुएशन, जो स्टूडेंट ग्रेजुएट हो चुके हैं वो भी, या फिर जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो भी यहाँ पर बैठ सकते हैं इस इंटरव्यू में। और एज लिमिट आपका 18 year to 27 year होना चाहिए। पोजीशन लोकेशन क्या होगा वो भी आपको यहाँ पर बताया गया है, मींस आपको जो जॉब ऑफर होगा तो कहाँ पे होगा वो आपको यहाँ पर बताया गया है, जो की आपका ओल्ड दिल्ली, गुड़गांव, RD एंड हरियाणा, इस तरीके से आपका ये लोकेशन दिया गया है। एंड कैरियर पाथ आपका क्या होगा वो आपको यहाँ पर बताया गया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा आपका, मींस आपका जब इंटरव्यू होगा देन आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो सबसे पहले आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा,
इम्पोर्टेंट नोट्स आपको बताया गया है जो कि आपको यहाँ पर क्लियरली देख लेना है। मीन्स आपको क्या क्या लेकर के जाना है वो सब आपको बताया गया है। मीन्स आपको दो कॉपी लेकर के जाना है रिज्यूम का, जो कि यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, और सभी चीज को आप देख लीजिएगा। और आपको बताया गया है 11 AM तक अगर आप पहुंचेंगे देन आपको एंट्री नहीं मिलेगा। मीन्स आपको 10:30 तक पहुंच जाना है, यहाँ पर बताया गया है 9:30 से 10:30 के बीच में ही पहुंचना है। और यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल दिया गया है आपको कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन है देन आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके आप क्लियर कर सकते हैं अपना डाउट। सो सभी स्टूडेंट इग्नू के इस बड़े अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा, बिकॉज आपको यहाँ पर मिल रहा है परमानेंट जॉब एंड क्वालिफिकेशन आपका ओनली है ग्रेजुएशन या फिर परस्यू ग्रेजुएशन। जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, और यहाँ पर एक्सपीरियंस मीन्स वर्क एक्सपीरियंस जो फ्रेशर है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। सो जरूर अप्लाई कीजिएगा, और ये आपका होगा 4 अगस्त को, राइट। कहाँ होगा ये एड्रेस आपको बताया गया है। सो यही सब था आज का इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को सभी स्टूडेंट के साथ शेयर कर दें। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।